समझा रही है बेटी मेरी बात मानो, तुम सिर्फ एक बार मना कर दो बारात हम वापस कर देंगे। मैं ना बोली देखो मैया, दरवाजे पे बारात रुकी है और दरवाजे से बारात अगर वापस चली गई तो इसमें कितनी बड़ी तौहीन होगी। अब जो भी है जैसे भी है इन्हीं के साथ में मेरा विवाह कर दो। मैं ना बोली हम तो तेले रोई मरी जाती थी, अगर तू कह रही तो हमें बहू कहा जाता, शादी भाई शादी भाई। लेकिन हिमांचल को थोड़ा अभिमान हो गया, ना सारा भोजन खाएगा कौन तो भोले बाबा इनकी बात को समझ गए। इनके बारात में दो छोटे छोटे बच्चों का भेष धारण करके शुक्र और शनिचर गए थे। भोले बाबा ने इशारा कर दिया और दोनों भूख से रोए उठे। हाँ भूख की वजह से पूरे जन्माष्टमी में जाओ सुबह लोटे डरे थे। हिमांचल से एक बात कही, देखो हम सब लोग तो बाद में भोजन करते रहेंगे, ये दोनों बच्चे हैं ये बड़े भूखे हैं, पहले आप ऐसा करो आप इन्हें भोजन करवा दो, उसके बाद में हम सब लोग खाते रहेंगे। हिमांचल को बड़ी गुस्सा आई, बोले पूरी बारात में कोई शोर नहीं मचा रहा है लेकिन इन्हें बड़ी तेजी से भूख लगी। एक नौकर को दे दिए, बोले ले जाओ इन्हें भोजन करवाओ। नौकर जो रहे दोनों को हाथ पकड़ के जैसे ही लेके चलो और जोन से कमरा में सब सामान भरो रहे, बस बाकी नजदीक ही बैठा ले बाकी गहो पत्तल और डबुआ लेके आओ। पत्तल और डबुआ परसी दोबारा फिर गहो से पानी बाओ सागर लेके आओ। सुबह ने कहा देखी हुआ ना पत्तल ना डबुआ गज रहे न बाने सोची हमें तो मना के गए, सोची कोई बात ना है साधना ध्यान रहो। दोबारा गो पानी बाव सागर रख के दोबारा पत्थर डबुआ लेके आओ सुखा देखी पानी बाव सागर ही गायब। फिर माने एक को खड़ो करो, बोले तू यहां खड़ो खड़ो जब देख ले सब चीजें चली कहां जाती है। एक गो सब सामान सर पे ला देना, पूड़ी परसी कछ होई नहीं, दो दो फिर चार चार फिर छह छह फिर आठ आठ फिर दस दस फिर बीस बीस और फिर वे पूरे डलाक डलाई को रहे उड़े। परसन भाव जब फिरंगी बनो ज्यादा परेशान भाव सुई भाई गुस्सा आई, मन दोनों को हाथ पकड़ो और जोन से कमरा में सब सामान भरो रहे, बस बाई में धकिया दे ले मरो जाए में खा। बाहर से दरवाजो बंद, थोड़ी देर के बाद में दरवाजो खोलो, कमरा में रहो कुछ ना है लेकिन भूकस में चिल्ला तो उतना ही रहे जितने पहले चिल्लाए रहे थे। सोई भोले बाबा समझ गए, यानी हिमांचल समझ गए, भोले बाबा के नजदीक पहुंचे, बोले हमें माफ करो कैसे भी ये अपनी महिमा समेटो। भोले बाबा ने दो तुलसी के पत्ते दिए हैं, इन्हें ले जाके जैसे खिलाए जो भूख से चीख रहे थे चिल्ला रहे थे दोनों शांत होते, दोबारा जन्माष्टमी में भेजा उधर फिर से भोजन बनवाया गया। जब दोबारा भोजन बनवाया गया हिमांचल सामने पहुंचे, बोले भैया माफ करना, क्या बताएं घर में थोड़ी अड़चन हो गई थी ना इसलिए हमने आप लोगों को भोजन ही नहीं करवा पाया। अब ऐसा करा आप सब लोग हमारे साथ में चलो और भोजन कर लो। और जैसे ही भूतन ने सुनी सुबह भागे बड़ी देर में नंबर लग पाओ भोजन को। अब जब सोच रहे ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां परसन भाव पहली बार मेरे नजदीक से ही निकल के जाए। हाँ भोले बाबा बैठे रहे, उनके एक तरफ तो ऐसे बैठ गए कि उनके आंख ही तो रहे लेकिन कान न रहे बहरे, एक तरफ ऐसे बैठ गए कि उनके कान तो रहे लेकिन आंख ही न रहे अंधे। और बरात तो थी उनकी ऐसी कैसी के हल्दी चढ़वाने के बदले अरतन भस मर माही ती भोला ले
सब चीज परोसी गई, पूड़ी कचौड़ी लड्डू रसगुल्ला यानी जो कुछ बनवाया गया। अब भूत क्या सोच रहे, पहले जल्दी जल्दी अपनी खाए मग बाद में दूसरे की दे दे। अंत तो गाँव का चुनाव भाव जहाँ भोले बाबा बैठे रहे, बस वही थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। कैसी ज्यादा ना थोड़ी, थोड़ी गड़बड़ अंदो रसगुल्ला ढूंढ़ना, अभी तो रखा था भाई की सुंदर तस्वीर आंगन में दिखाई दई भोला ने। बड़े हर्षोल्लास के साथ में सबने भोजन किया और भोले बाबा गिरजा को साथ में लेकर के कैलाश पर्वत पर आते हैं। एक बार भोले बाबा और गिरजा बैठे थे, देवताओं ने आवाज लगाई, प्रभु हमारी रक्षा करो, अब ये तारक हमें जीवित नहीं छोड़े। तो भोले बाबा और गिरजा को क्रोध आ जाता है, तब इनके क्रोध से कार्तिकेय नाम का लड़का उत्पन्न हुआ और उन कार्तिकेय के द्वारा तारक नाम के राक्षस का वध हुआ है। बड़े आनंद से रहने लगे। अब आइए गौर करते हैं यहां से आगे, और ये 200 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में जो हमारे बड़े भाई श्रीमान रणजीत शास्त्री जी की तरफ से आया है, जो गांव बावली के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से श्रीमान रणजीत शास्त्री जी की तरफ से हमारे पास में जो 200 रुपए का पुरस्कार है। और अब आइए बोल लेते हैं छोटा सा ही कीर्तन। सब लोग बोलेंगे बड़े प्यार से, पर आगे की कथा सुनते हैं सब लोग। क्या हुआ कीर्तन बोलना बड़ा जरूर, बोल लीजिए, हम ये नहीं कहते तेज बोलो धीरे बोलो, लेकिन बोलो जरूर। हाँ और मैं बताऊं, कीर्तन तो खैर जरूरी है बोलना, वे लोग ना बोल पाते जो बोल भी लायक ही ना हो, और जो लोग कीर्तन ना बोल तो मालूम हो कैसे जाता, भगवान की दुआ से बोल ही ना पाता।
और बोलते हैं तो कुछ और तरीके से बोलता है। मैं बताऊं, माफ करें अगर कोई श्रीमान जी बैठे हूं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं बुराई नहीं कर रहा। एक लड़का रहा है, हमने तो जो सोची पहले हमने कीर्तन ना बोलो ये घर पे लगुन टीका को कार्यक्रम रहे, और जब लगुन टीका को कार्यक्रम रहे तो घर वालों ने बुला लिया, बोले इधर आओ, ऐसा करो बाजार में चले जाओ बतासे लेके ना आए, और जब बतासे लाए ना तो रात में बटे को कहा, सो बेचारे रहे अकेले, उन्होंने मोटरसाइकिल उठाई बाजार में पहुंचे, बाउर साहब बोरी में बतासे रख के घर की तरफ आ रहे थे। हाँ, रास्ता में चेकिंग चंत रहे तो दीवान जी साहब ने रोक लिया, खड़े हो गए, क्या है इसमें? बोले बताते हैं। हाँ ठीक है, बताओ क्या है इसमें? बोले बताते हैं। बोले बताते हैं, बताते हैं, बताना भी है नहीं, क्या इसमें? बोले बताते हैं। बड़ी गुस्सा आई, हाथ पकड़ा दरोगा जी के सामने खड़ा कर दिया, बोले साहब बोरी में पता नहीं क्या रखे हैं, और मैं बार बार पूछ रहा हूं क्या है इसमें? बोले बताते हैं, बताते हैं, बताता भी है नहीं। दरोगा जी कहने लगे क्यों नहीं बता रहे भाई? अरे यहां चेकिंग चल रही, हम लोग पागल हैं जो खड़े, कैसे? बोले बताते हैं। बोले कॉल के देखो क्या है? सुबह बता से रहे। बोले इसमें तो बताते हैं। बोले साहब बताते ही तो हैं।